नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। गजानन गणेश से अपनी मनचाही मनोकामना पूरी कराने के 6 बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय क्या है ये आइए जानते हैं। गजानन गणेश के संकल्प के अनुसार साधना करने से विघ्नहर्ता बिगड़ी आपकी जो काम की स्थिति है उसको ठीक कर देते हैं, उनको बना देते हैं। बिगड़ी बना देना जो एक कहावत है वो करते हैं। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता व शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वे भक्तों की बाधा संकट रोग दोष को दूर करते हैं। 10 दिन के गणेश जी के स्थापना काल में गणपति की संकल्प पूर्वक साधना आराधना पूजा पाठ करने से भक्तों की चिंताओं से उनको मुक्ति मिलती है, इच्छाएं पूर्ति होती हैं, मन स्थिर रहता है, अन्न व धन का भंडार सदैव जो है भरा रहता है, बरकत बनी रहती है तथा हर प्रकार के विघ्न जो हैं वो दूर हो करके आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। तो किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए आइए जानते हैं। अगर विवाह से संबंधित उपाय आपको करना है, विवाह की मनोकामना है, हमारे पास ऐसे कपल्स ऐसे पेयर्स बहुत आते हैं या ऐसे बच्चे बहुत आते हैं रिलेशनशिप इशू वाले जिनके विवाह में बाधा आती है, लव मैरिज का प्रेम प्रसंग होता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार वाले नहीं मानते या शादी की बात करते ही कहीं लड़का नाराज़ हो जाता है तो कभी लड़की नाराज़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर विवाह की कामना है तो आपको क्या करना चाहिए। गणपति उत्सव के दौरान 10 दिनों तक ओम व्योम गणपतये नमः की 11 माला जाप करें तथा गणेश स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करें। मोदक का भोग गणपति देवता को नियमित रूप से आप इन 10 दिनों में समर्पित करें तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। भवन भूमि और वाहन प्राप्ति का अगर आपका सपना है, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं हमारा घर नहीं बन रहा, आप चैट पे आप लोग देखते होंगे अगर चैट पे लाइव चैट में जुड़ते हैं तो भवन भूमि वाहन का अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो 10 दिन तक संकट नाशन गणेश स्त्रोत और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का 11-11 पाठ आप लगातार 10 दिनों तक करते रहिए। 10 दिन तक आपको लगातार 11 पाठ करना है संकट नाशन गणेश स्त्रोतम का और 11 पाठ करना है आपको ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का। इसी तरीके से ऋणमोचक गणपति स्त्रोत भी होता है, ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत भी होता है, उसका भी पाठ आप कर सकते हैं ऋणमोचक मंगल स्त्रोत के साथ। तो भवन प्राप्ति के लिए एक दूसरा उपाय और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि गणेशोत्सव के इन 10 दिनों के उत्सव के दौरान पंचरत्न स्त्रोत और भुवनेश्वरी चालीसा का पाठ या फिर भुवनेश्वरी स्त्रोत का अगर कोई व्यक्ति पाठ करता है तो भवन से जुड़ी हुई भवन भूमि से जुड़ी हुई उसकी मनोकामना इस माध्यम से भी गणपति देवता पूरी करते हैं। अब बात आती है किसी भी तरीके की संपत्ति, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सपना आप पूरा करना चाहते हो, किसी भी तरीके की संपत्ति प्राप्ति के लिए 10 दिन नियमित रूप से गणेश चालीसा कनकधारा स्त्रोत और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से या श्री सूक्त का पाठ करने से आपको बहुत चमत्कारी परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। धन संबंधी या धन और समृद्धि की मनोकामना के लिए गणेश स्त्रोत का पाठ करें तथा कुबेर यंत्र के सामने ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 11 माला इस मंत्र का नियमित 10 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। नौकरी प्राप्ति के लिए 10 दिन तक गणेश विघ्ननाशक गणपति स्त्रोत का पाठ करना बहुत ही चमत्कारी होता है। रोजी रोजगार व्यापार में वृद्धि नौकरी आदि की मनोकामना के साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मित्रों ये सारे जो मंत्र और स्त्रोत मैंने आपको बताए वो आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको कहीं परेशान नहीं होना है, भटकना नहीं है, वो मंत्र और सारे उपाय आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि मंत्र थोड़े से कठिन है तो उसके लिए आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय गजानन।